नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं समी की बड़ी खबर। ये वर्ष चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को वायुयान की यात्रा कराएगी। चुनावी वर्ष में बुजुर्गों को प्लेन से तीर्थ यात्रा पर भेजेगी मध्य प्रदेश की सरकार। साथ ही प्लेन में 33 यात्री सवाल होंगे। इनमें हर जिले के 32 तीर्थ यात्रियों को सम्मिलित किया गया है। इनके साथ में एक अनुरक्षक रूप में शासकीय अधिकारी भी जाएगा। योजना का क्रियान्वयन IRCTC द्वारा किया जाएगा। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के बुजुर्ग वायुयान के जरिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा करेंगे। इस लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें कि जो बुजुर्ग 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और जो आयकरदाता नहीं है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के धर्मस्थ न्यास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि 21 मई से 19 जुलाई तक मध्य प्रदेश के 15 जिलों के तीर्थयात्री वायुयान से तीर्थ यात्रा करेंगे। इस देश यात्रा में प्रयागराज, शिरडी, मथुरा वृंदावन, गंगा सागर यात्राएं जोड़ी गई हैं। डॉक्टर राजौरा ने बताया है कि सभी 25 जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि वायुयान में 33 सीटें उपलब्ध रहेंगी। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।